पहले जहां जहां वो हारे हैं उसकी समीक्षा कर ले और 2024-25 में हम लोग आईना दिखा देंगे। देखिए, गुजरात में आंधी आई, सुनामी आई, नहीं दिखा सकता है, उनको फिर से दिखाना पड़ेगा। हम लोग तो अभी तक 56 इंच का सीना कहते थे और गुजरात के लोगों ने तो 156 इंच का सीना दिखा दिया। अब राजद वाले को नहीं दिखता है तो वो अलग से चश्मा हम भेजेंगे, अब चश्मा तो है नहीं। जो लोग ये बयान दे रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अरे बिहार में क्या हो रहा है, 7 पार्टियों का गठबंधन, 8वां भी अदृश्य में, सब मिल के लड़ रहे थे और सब हमारे वोट को तोड़ रहे थे, सब मिलकर सरकार का तंत्र लगा हुआ था, शराब माफिया लगे हुए थे, सिंडिकेट काम कर रहा था, पूरा प्रशासन तंग कर रहा था। और जदयू के लोग कह रहे थे कि भाजपा के उम्मीदवार की औकात क्या है, आज तो विधायक हमारा है, औकात देखिए यही है, जनता औकात तय करती है। गुजरात में भी कांग्रेस को औकात दिखाने का काम वहां की जनता ने किया, यहां भी कुडरनी में भी जनता ने भाजपा की औकात दिखाने का काम किया। अजीत शर्मा कहे कि शराबबंदी के कारण महागठबंधन की हार हुई है, उपेंद्र कुशवाहा बातों में नीतीश कुमार को कुछ यही इशारा कर रहे थे कल के ट्वीट। देखिए, दो चीज बड़ा स्पष्ट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला है, इससे मैं कभी डिफर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा है कि शराब बिकवाए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार की सहमति से बिक रहा है, नीतीश कुमार बिचवा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार होम मिनिस्टर हैं। और यदि 2016 में कानून बना और आज 2022 है, 6 बरस में नीतीश कुमार यदि रूल ऑफ लॉ नहीं कर सकते हैं तो नीतीश कुमार को एक दिन भी मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। शराब 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 नीतीश कुमार बेचवाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी जो वहां पहले थे तरीके से शामिल हो रहे हैं, वो नहीं गए थे, डर लग रहा था क्या उनको? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह कुडन्नी चुनाव में, याद होगा हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी अब जिस जगह जाएंगे वो खराबी होगा। नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहेंगे वो गठबंधन बिहार में चुनाव हारेगी, यह स्पष्ट जान लीजिए, जनता ने तय कर दिया। कुडन्नी में मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे तो यदि आज यदि संकोच भी था तो हमने कहा नीतीश कुमार जैसे ही कुडन्नी पहुंचेंगे हमारी जीत गारंटेड होगी और गारंटेड हो गई। G20 की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने आप में जीते हैं, वो कुर्सी के लिए जीते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं, भारत की अखंडता प्रभुता से कोई लेना देना नहीं, वो अपने लिए जीते हैं। G20 इस देश का गौरव है और G20 में नहीं जाना ये एक तरह से देश के साथ विश्वासघात। वर्चुअल रूप से शामिल हो रहे हैं, अब तो स्वाभाविक है, हारने के बाद तो उनको स्वाभाविक है, आत्मज्ञान हुआ होगा। राजद विधायक है अनिल सैनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए इसमें कहां दो मत है, लोकतंत्र में तय हो गया, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन विधायक होगा। लोकतंत्र ने तय कर दिया कि महागठबंधन को हराने वाला भाजपा आ गया।